नमस्कार, न्यू सिटिंग गुजराती में आपनु स्वागत छे अने आपनी साथे हूं छु मित्तल खाणिया। नजर करिए मॉर्निंग 100 पर। घर शियाळे स्वेटर साथे रेनकोट पण राखजो तैयार। राज्य में बे दिवस बाद पड़ी शके छे कमोसमी वरसाद। 24-28 नवेम्बर सुधी वरसाद नी हवामान विभागे करी आगाही। 25-26 नवेम्बरे भारे वरसाद नी संभावना। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में वरसाद की आगाही। अमदावाद और गांधीनगर में पड़ सके वरसाद। पूर्वीय पवनों की आता वीज कारण वरसाद सिस्टम सक्रिय। साइक्लोनिक सर्क्युलेशन और ट्रफ सक्रिय थता वरसाद की आगाही। 25 नवेम्बर बाद राज्य में वधशे ठंडी चमकारो। तमिलनाडु कांचीपुरम में धोधमार वरसाद। आकाश में काला डिबांग वादळों घेराया बाद वरसियो वरसाद। कांचीपुरम रस्ताओ पर वहता थया पाणी। वरसादी माहौल थी वातावरण में ठंडक प्रसरी। मेहसाणा कड़ी रस्ता पर वहता थया पाणी। ज्यारे के डांगनी आवक थई। पहला दिवसे 9000 बोरी डांगनी आवक थई। 318 जेटला वाहनों की अहीं लांबी कतार जोवा मळी। एक मण डांगरना 442 जेटला भाव बोलाया। ओछा में ओछा 360 रूपया बोलाया। राजकोट की मेड़ी मार्केटिंग यार्ड में मरचा की ममलक आवक थी। 10000 भारी जेटली मरचा की आवक नोंधाई। खेडूतों की मरचा 3600 जेटला भाव मळता खेडूतों ने पण संतोष जोवा मळ्यो। हाल तो मरचा की आवक वधता आगामी सप्ताह सुधी मरचा की आवक बंद कराई। द्वारका में कपासना खेडूतों ने ओछा भाव मळता मुश्किल सर्जाई। गत वर्ष करता भाव में 400-500 रूपया जेटलो घटाड़ो थयो। आ वर्षे 1300-1400 रूपया ज मळी रह्या छे भाव। मोंघा भावना बियारण खातर अने मजूरीनो खर्च पण माथे पड्यो। वरसादनी घटती कपासमां रोग आवता उत्पादनमां घटाडो जोवा मळ्यो। एक तरफ घटाडो, बीजी तरफ पोषणक्षम भाव न मळता अन्नदाताने मेहनत माथे पड़ी। खेडूतो सरकार पासे ठेकाना ऊंचा भावे खरीदी करवा मांग करी रह्या छे। राजकोट शहर में रोगचाळो वकरता फॉगिंग की कामगीरी शुरू कराई। चालू महीना में शरदी उतरसना 501 केस, सामान्य तावना 43 केस, झाड़ा उल्टीना 96 केस, डेंग्यूना 10 केस, जारे चिकनगुनियाना 2 केस नोंधाया। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलनो महत्वनो निर्णय। जीएचबीनी योजनाओं में 100% पेनल्टी माफी की मुदत लंबावाई। 100% पेनल्टी माफी की मुदत 31 मार्च 2024 सुधी लंबावाई। पंचायत मंत्री बच्चू खाबड़े 50 विकसित भारत रत्न प्रस्थान करावियो। गुजरातभर में केन्द्र की मोदी सरकार और गुजरात सरकार की योजनाओं की जानकारी सीधी जनता समक्ष पहुंचाड़ाशे। पंचमहाल में टीआरबी जवान ने छूटा करवानो मामलो। कलेक्टर कचेरी टीआरबी जवान एकठा थई नोंधाव्यो विरोध। कलेक्टर ने आवेदनपत्र आप्युं। सरकार निर्णय परत खेंचे तेवी मांग कराई। टीआरबी जवानों ने छूटा करवाना राज्य सरकार परिपत्र ने पत्र खेंचवा मांग करवामां आवी। स्टेशन स्थित सरदार की प्रतिमा खाते धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने चीमकी। गुजरात कांग्रेस प्रदेश ओबीसी सेल महामंत्री कल्पेश बारोटीए जवाने साथ करी बैठक। टीआरबी जवानों ने छूटा करवाना परिपत्र मामले कांग्रेस लीगल सेल प्रमुख जमीर शेख निवेदन। कहूं 180 दिवस की वु सेवा आपी हो तो नौकरी थी रद्द बातल कर सकते नहीं। लेबर कायदा मुजब 400 रूपया थी वधु चुकवा जोईए। चामा नशीलो पदार्थ नाखता होवानी मौखिक फरियाद बाद पंचमहाल फूड विभाग एलर्ट मोड में। गोधरा में महाकाली टी सेंटर पर तपास हाथ धराई। प्रांत अधिकारी फूड एंड ड्रग्स आ फेसिलिटीओ द्वारा चाना नमूना मेळवी तपास हाथ धराई। विसावदर में पाक नुकसानी सहाय ने लईने विरोध। मात्र मळतियाओने ज सहाय चूकवाती होवानो खेडूतोनो आक्षेप। खेडूतोए मामलतदार कचेरीए रामधून बोलावी तात्कालिक सर्वे करी वळतर चूकवा माटे करी मांग। विपक्ष कांग्रेस अने आपना आगेवानोना नेजा हेठळ खेडूतोए अगाउ पण करी हती रजूआत। खेडूतोए मामलतदार कचेरीए विरोध करता पोलीसे खेडूतोनी करी अटकात। तात्कालिक सर्वे करी वळतर चूकवा खेडूतो करी रह्या छे मांग। बनासकांठा थरादना ताखुवा गामनी सीमा केनाल में गाबड़ू पड़ू। केनाल पाणी रायडाना खेतर में फरी वळ्या। जेमा खेतर में नुकसानो खेडूतोनो आक्षेप। सफाय वगर पाणी छोड़ाता गाबड़ू पड़ियानो आक्षेप करायो। केनाल में वारंवार गाबड़ा पड़ता खेडूतो मारोश। बनासकांठाना सरहदी पंथक में केनाल में पूरतुं पाणी न मळता मुद्दे खेडूतोनो होबाळो। धारासभ्य गेनीबेन ठाकोर अने खेडूत अग्रणीओ पहोंच्या हता नर्मदा कचेरी। कार्यपालक इजनेर हाजर न होवाथी खुर्शीने आवेदनपत्र आप्युं। सिंचाई माटे केनाल में पाणी आपवा खेडूतोए मांग करी। नागला गामनुं प्रदूषित पाणी केनाल में नाखना नाखवा माटे रजूआत कराई तो रोषे भरायेला खेडूतोए रामधून बोलावी विरोध नोंधाव्यो। राजस्थान में चूंटणी होवाथी
गुजरात खेडूतों ने पानी न मळतुं होवानो घेनीबेन ठाकोरे आरोप लगाव्यो। राजकोट में ढोर पकड़ पार्टी और मालधारी वच्चे विवाद सर्जायो। ढोर राखवानी मंजूरी होवा छतां ढोर पकड़ी गया होवानो मालधारी आक्षेप कर्यो। मालधारी 25 ढोर राखवानी मंजूरी लीधी हती, छतां पण ढोर पकड़ी गयानो आक्षेप। मालधारी 25 ढोर राखवानी लीधी हती मंजूरी। राजकोट में हाईकोर्ट की टक्कर बाद रखड़ता ढोर अंगे कड़क कार्यवाही। 15 दिवस में 900 ढोर पकड़ी पड़ाया। ऑक्टोबर सुधी में 9000 ढोर ने पकड़ाया, जेमा 7800 ढोरो गौशाला में बाकीना ने दंड वसूली छोड़वामां आव्या। 23 नवम्बर थी शुरू थनारी गिरनारनी लीली परिक्रमा ने तंत्रनी तैयारी ने आखरी ओप अपायो। 36 किलोमीटर की आ परिक्रमा में ठेर ठेर पानी की सुविधा, कचरापेटी सहित सुविधाओं तैयार कराई। वन विभाग द्वारा खास 6 ट्रेकर टीम पर बनावाई। तो आ तरफ जूनागढ़ मेयर, भाजप प्रमुख और स्थायी समिति चेरमेन सहित मनपा अनेक अधिकारी परिक्रमा रूट निरीक्षण कर। अही भाविकों निःशुल्क भोजन की व्यवस्था संभा बातचीत कर। सीएम भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में आज मैं कैबिनेट बैठक, वावेतर और सिंचाई पानी मुद्दे थे चर्चा। वडनगर में 2 दिवसीय तानारीरी कार्यक्रम आयोजन। सीएमए तानारीरी एवोर्ड से सम्मानित 3 नारी रत्नों ने अभिनंदन पाठव्या। मोटी संख्या में कला रसिकों तानारीरी कार्यक्रम में हाजर रहा। ख्यातनाम कलाकारों कार्यक्रम में कला प्रदर्शन कर। राजकोट में सरकारी नौकरी की लालच से लाखों की छेतरपिंडी। सरकारी विभाग ने बॉगस ऑर्डर लेटर बनावी छेतरपिंडी आचरवामां आवी। 2 युवती सहित 10 उम्मीदवारों साथ ठगाई थी। क्लार्क की भर्ती में पास करावी आपवानी लालच से छेतरपिंडी। पोरबंदर में हिट एंड रन की घटना में 2 आरोपियों की अटकायत कर। गईकाले नबीराओं सर्जेला अकस्मात में टीआरबी जवान मौत निपजू थ। 2 बेफाम कार चालके 3 टू व्हीलर ने अड़फेटे लीधा था, जेमां 5 लोग इजाग्रस्त थे। कच्छना मुंद्रा चूना बंदर पर पोर्ट पर जहाज में आग लागी। चोखाना लोडिंग दरमियान बनी थी घटना। गल्फ मोकलवाना हता चोखा, जारे के फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू मेळव्यो। अहमदाबादना नवावाड़ज में आवेला चंद्रभागा हाउसिंग में आग लागी। झूपड़पट्टी में आग लागता फायर ब्रिगेडे आग पर काबू मेळव्यो। कोई जानहानि नहीं, आग लागवा पाछळनुं कारण हाल अकबंध। पंचमहाल गोधरा परवड़ी बायपास पास स्कॉर्पियो कार अकस्मात। कार हाईवे साइन बोर्ड पास धड़ाका भेर अथड़ाई, गाड़ी में बैठल तमाम लोग सुरक्षित। रस्ता में अचानक पशु आ जता स्टीयरिंग पर गुमाव्यो काबू। अमदावादना मोटेरामा स्टेडियम रोड पर बैंक पार्किंग में एक्टिवा की चोरी। गणतरी की मिनिटों में एक्टिवा चोरी ने आपी अंजाम। आखी घटना सीसीटीवी में थी कैद। उत्तराखंड टनल दुर्घटना में श्रमिकों माटे फूड पैकेट मोकलाया। डॉक्टर की देखरेख हेठ 150 फूड पैकेट तैयार कराया। पनीर और भात सहित सरलता से पची सके तेवु भोजन मोकलवामां आव्यु। टनल में फसायेला श्रमिकों पोताना परिवारजनों साथे बात करी। तो आ तरफ श्रमिकों माटे डायट प्लान तैयार कर्यो। श्रमिकों ने ओआरएस मल्टीविटामीन कैल्शियम ड्राईफ्रूट्स और विटामीन सी लेवा माटे निर्देश। तो मेडिटेशन और योगा माटे पण अपील कराई। टनल में फसायेला श्रमिकों माटे दाळ खीचड़ी सहित गरम भोजन तैयार करायो। दुर्घटना बाद पहली बार गरम भोजन मोकलायो। पाइप द्वारा श्रमिकों ने वॉकी टॉकी भोजन सहित वस्तुओं मोकलाई रही है। उत्तरकाशी में टनल की अंदर दृश्य सामे आया। बचाव कार्य ने लैने टनल में सतत थई रह्यु छे खोदकाम। 12 नवम्बरे थयेली टनल दुर्घटना में 40 जेटला श्रमिकों फसाया छे, जेने सुरक्षित बहार काढवा माटे चाली रह्यु छे ऑपरेशन। टनल दुर्घटना में बचाव कामगीरी ने लेने विविध मशीनों मंगावाया। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन मंगावामां आव्यु। सिलकियारा टनल सुधी आ मशीन ट्रक द्वारा पहुंचाड़ाशे। मशीन द्वारा बचाव कामगीरी आगळ वधाराशे। भारते कोची में पहली स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइलनुं परीक्षण कर्युं। आ परीक्षणों भारतीय नौकादलना सी किंग 42B हेलिकॉप्टर थी कराया। जारे फायरिंग सिकर और गाइडन्स टेक्नोलॉजी सहित चौक्स मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वनु पगलू। श्रीनगर वजीरबाग रहनाक मकान में विकराल आग फाटी निकलता अफरातफरी माहौल सर्जायो। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों घटनास्थले पहुंची और हाल आगवा कारण अकमन है। आगना कारण लाखों नुकसान। एमपी दाभो
કોર્ટમાં ફટાકડાનો નાશ. પોલીસે ગેરકાયદેસર જપ્ત કરેલા ફટાકડાનો કોર્ટના આદેશ બાદ નાશ કરવામાં આવ્યો. ખુલ્લા સ્થળે ફટાકડાનો નાશ કરાતા મોટા વિસ્ફોટ થયાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા. પુણેના પિરંગુંડમાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો. ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા. અકસ્માતમાં 7 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા, જેમાંથી એકની હાલત ગંભીર. પિરંગુંડમાં ટ્રક ચાલકે કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માતના તમામ ઇજાગ્રસ્તોને નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. ઘટના 18 નવેમ્બરે બની હતી, જેના આજે સીસીટીવી સામે આવ્યા. અકસ્માતના સીસીટીવી ફૂટેજ તમને વિચલિત કરી શકે છે. ગ્વાલિયરમાં ધોળા દિવસે બાઇક ઉપર યુવતીનું અપહરણ. પેટ્રોલ પંપ પાસેથી બે બાઇક સવારોએ યુવતીનું અપહરણ કર્યું. સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા. પોલીસે યુવતીની શોધખોળ શરૂ કરી. તો નર્મદા જિલ્લા ભાજપમાં ખેંચતાણ સપાટી પર. ધારાસભ્યએ ભાજપના જ કાર્યકરો પર રોષ ઠાલ્યો. નાંદોદના ધારાસભ્ય ડોક્ટર દર્શના દેશમુખે તેમની જ પાર્ટીના કાર્યકરો તેમજ હાંસી ઉડાવતા હોવાનું નિવેદન આપ્યું. આ સમગ્ર મુદ્દે જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અને સાંસદ મનસુખ વસાવાએ પણ નિવેદન આપ્યું. કહ્યું કે જાહેર મંચ પરથી આવી વાત ન કરવી જોઈએ. સંગઠનમાં વાત મૂકી સમાધાન કરવું જોઈએ. નર્મદાના રાજપીપળામાં યોજાયેલા સ્નેહમિલન સમારંભમાં મહિલા ધારાસભ્યએ ઉભરો ઠાલ્યો. નાંદોદના ધારાસભ્યના નિવેદનથી રાજકીય ચહલપહલ વધી. રાજપીપળામાં ભાજપના સ્નેહમિલનમાં કેન્દ્રીય મંત્રી દેવસિંહ ચૌહાણ પણ હાજર હતા. છોટાઉદેપુરમાં ભાજપ કોંગ્રેસના નેતાઓ વચ્ચે સોશિયલ મીડિયામાં જંગ ચાલે. પૂર્વ સાંસદ રામસિંહ રાઠવા, કોંગ્રેસ નેતા અર્જુન રાઠવા વચ્ચે વાકયુદ્ધ છેડાયું. કોંગ્રેસ નેતા અર્જુન રાઠવાએ ટ્રાઇફેડ અને ચેરમેનની કામગીરી સામે સવાલ કરતી મૂકી હતી પોસ્ટ. રામસિંહ રાઠવાએ પણ સોશિયલ મીડિયામાં આપ્યો હતો જવાબ. છેલ્લા 2 મહિનાથી બંને એકબીજાને ટેગ કરી રહ્યા હતા. આરોપ પ્રત્યારોપ. રામસિંહ રાઠવાએ સ્ટેજ ઉપરથી અર્જુન રાઠવાનું નામ લીધા વિના કર્યા પ્રહાર. રામસિંહે કહ્યું કે એનું દિમાગ બરાબર ચાલતું નથી. આદિવાસીઓને ગેરમાર્ગે દોરવાનું બંધ કરે, નહીતર કાયદેસરના પગલાં ભરીશ. રામસિંહ લોકસભાની ચૂંટણીમાં ટિકિટ માટે આવું કરી રહ્યા હોવાનું કોંગ્રેસના અર્જુન રાઠવાએ આપ્યું નિવેદન. અમરેલી જિલ્લાના માઉન્ટ ઝીંજવા ગામમાં થયો હતો વિવાદ. કે લાલ હાઈસ્કૂલનો ચાર્જ 12-5 સરપંચને સોંપવાથી શિક્ષણ વિભાગ પર ઉઠ્યા હતા સવાલ. તો શાળાના 3 શિક્ષક નિવૃત્ત અને આચાર્યની બદલી થતા સરપંચને ચાર્જ સોંપાયો. આ મામલે વિવાદ થતા જિલ્લા એજ્યુકેશન ઇન્સ્પેક્ટરે સ્પષ્ટતા કરી માત્ર હાઈસ્કૂલની વ્યવસ્થાનો વહીવટ સંભાળવા માટે સંયુક્ત ચાર્જ સોંપાયો હોવાની વાત કરી. શાળામાં ચાલે છે માત્ર ધોરણ 9 અને 10 વર્ગો. મહીસાગરમાં દિવ્યાંગ સર્ટિફિકેટ કેમ્પમાં લાભાર્થીઓને ખાવા પડ્યા ધરમના ધક્કા. જનરલ હોસ્પિટલમાં રાખેલા કેમ્પમાં લાભાર્થીઓ થયા પરેશાન. દૂરથી આવેલા દિવ્યાંગોને આગળ રીફર કરાતા રોષ જોવા મળ્યો. 200થી વધારે દિવ્યાંગોને સર્ટિફિકેટ માટે રજડવાનો વારો આવ્યો. નર્મદાના ડીડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાને ઝટકો. ચેતર વસાવાની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવાઈ. નર્મદા જિલ્લા કોર્ટે અરજી ફગાવી વન વિભાગના કર્મચારીને માર માર્યાનો નોંધાયો છે કેસ. અમદાવાદ મનપામાં 12 કમિટીઓમાં નિમણૂક પહેલા વિપક્ષના સભ્યોને કમિટીમાં સ્થાન આપવા માંગ. એમસી વિપક્ષ નેતાએ મેયરને પત્ર લખી રજૂઆત કરી. માંગ નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો હોબાળા સાથે વિરોધને ચીમકે ઉચ્ચારી. ગાંધીનગર કમલમ ખાતે પ્રદેશ યુવા મોરચાની પ્રદેશ કારોબારી બેઠક મળી. કારોબારીમાં પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ ઉપસ્થિત રહ્યા. જ્યારે લોકસભાની ચૂંટણી અંગે યુવા મોરચાની મંડળ સશક્તિકરણ કાર્યશાળા યોજાઈ. સીઆર પાટીલે કાર્યકરોને આપ્યું માર્ગદર્શન. આ કાર્યક્રમમાં ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, મંત્રી જગદીશ પંચાલ, મહામંત્રી વિનોદ ચાવડા, રજની પટેલ પણ હાજર રહ્યા. કાર્યક્રમ અંગે વિગતો આપતા પ્રશાંત કોરાટે કહ્યું કે ડિસેમ્બરમાં મંડળથી લઈને બુથ સુધી કામગીરી થશે. 25 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના નવા મતદારોનો સંપર્ક કરાશે. આણંદના અંતળિયાળ ગામમાં સિલવાઈમાં ન્યૂ સિટીના અહેવાલની અસર. છેલ્લા 15 વર્ષથી વીજ કનેક્શન વિના જીવતા 25 જેટલા તળપદા સમાજના લોકોને વીજ કનેક્શન મળ્યું. ન્યૂ સિટીના અહેવાલ બાદ એમજીડીસીએ ગામની મુલાકાત લઈ મીટર નાખ્યા. બનાસકાંઠાના મુડેઠા ગામમાં મળેલા મૃતદેહનો ભેદ ઉકેલાયો. પત્નીએ જ પ્રેમી સાથે મળી હત્યાને અંજામ આપ્યું. પોલીસની સઘન પૂછપરછમાં સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો. પોલીસે બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી તપાસ હાથ ધરી. બલુચિસ્તાનના આંદોલનકારી યુવકોની ક્રૂર હત્યા. કાર વિસ્ફોટમાં એક જ પરિવારના 3 યુવકોની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી.
त्रणे युवको पाकिस्तानी सेनानी गिरफ्तमा हता। विस्फोट पहला युवकोना शरीर उपर बंदूकनी गोळीना निशान पण मळ्या होवानो आरोप। મહીસાગરમાં સ્વચ્છ ભારત મિશન યાત્રાની શરૂઆત થઈ। ભારતભરમાં સ્વચ્છ ભારત મિશન યાત્રા કરી ફરશે, જ્યારે શિક્ષણમંત્રી કુબેર ડિંડોર કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા। યાત્રા 21 દિવસમાં 15,000 કિલોમીટર ફરી 12 જ્યોતિર્લિંગના કરશે દર્શન। ફેબ્રુઆરીમાં મળશે ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સત્ર। પ્રથમ સપ્તાહમાં મળશે બજેટ સત્ર। ચૂંટણી પહેલા નક્કી કરાયો બજેટ સત્રનો સમય 2023 કરતા 10-15% મોટું હશે બજેટ। बजेट सत्र में नवी योजनाओ जाहिर थई शके छे। राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले जनहितकारी निर्णय कर्यो। गुजरात हाउसिंग बोर्ड तथा स्लम क्लियरंस सेलनी योजनाओं ने लईने करायो निर्णय। मुख्यमंत्री प्रोत्साहक वर्तर योजना अंतर्गत 100% पेनल्टी माफी तारीख 31 मार्च 2024 सुधी मिली शकशे। समय मर्यादा में हप्ता भरपाई न कर सकना लाभार्थियों माटे करायो निर्णय। वार्षिक 8% व्याज दरे पेनल्टी की जोगवाई थी पेनल्टी व्याज में घटाड़ो कर्यो। सीएम निर्णय थी रीडेवलपमेंट प्रक्रिया ने वेग मळशे। साबरकांठा बुढ़ेली गाम नजीक कार में अचानक आग लागी। रोड पर कार सड़कता अफरातफरी माहौल सर्जायो। कार में शॉर्ट सर्किट कारण आग लागी। फायर विभाग की जहमत थी आग पर काबू मेळवायो। बनासकांठाना युवानो पण चढ़िया रेल्सना रवाड़े। हाईवे नी वच्चे युवक गरबा रमी रह्यो होय तेवा दृश्य सामे आव्या। जीवना जोखमे वाहन चलावता समय युवके रेल्स बनावी होय तेवो वीडियो पण वायरल थयो। आवा लोको सामे कार्यवाही करवा माटे मांग कराई। वडोदरामां युवती ने जोखमी रीते बेसाड़ी स्टंट करतो वीडियो सोशियल मीडिया में थयो वायरल। युवती ने बाइक पर आग बेसाड़ी शख्से जोखम सर्जू। बाइक सवार की करतूत अन्य वाहन चालक के कैमरा में कई कैद। वीडियो शहर वीआईपी रोड में होवानो अनुमान। साबरकांठा हिम्मतनगर शामळाजी नेशनल हाईवे पर सर्जायो अकस्मात। हिम्मतनगर केसरपुरा नजीक बस से महिला ने अड़फेटे लीधी। रोड क्रॉस करती महिला ने एसटी बस से अड़फेटे लेता घटनास्थले ज मौत निपजू। घटना सीसीटीवी फूटेज सामे आव्या। भरूच में बेफाम डंपर चालके बाइक ने अड़फेटी लीधी। अंकलेश्वर वालिया रोड पर दूध लई अने जता बाइक चालक ने टक्कर मारी। अकस्मात की समग्र घटना सीसीटीवी में कैद थी। तो अंबाजी थी आवो रोड जता छापरी पास वणांक में अकस्मात सर्जायो। पत्थर भरेली ट्रक अचानक पसार थती बी कार पर पड़ता कार दबाई। घटना में बे लोग गंभीर रीते इजाग्रस्त थया। अकस्मात ना पगले 1.5 किलोमीटर सुधी ट्राफिक जामना दृश्य सर्जाया। साबरकांठा में दारू की रेलम छेलो वीडियो वायरल थो। खेड़ब्रह्मा में ढगला बंद दारू की खाली थेलियो दारू की खाली बॉटलो नजरे पड़ी। शहर में इंदिरानगर कॉलेज नजीक वीडियो वायरल। पुलिस तंत्र द्वारा कड़क कार्यवाही कर स्थानिकोए मांगनी करी। राजकोट अर्जुन पार्क आंगणवाड़ी बहार दारू की खाली बॉटलो मिली आई। दारूबंदी दावा वच्चे मिली आई दारू की खाली बॉटलो। आवास योजना आंगणवाड़ी बहार कचरो फेंकी जता होवानी आशंका। उपरांत आंगणवाड़ी बहार कचराना ढगला जोवा मळ्या। बनासकांठाना थरादना हेल्थ ऑफिस मांथी खाली दारू की बॉटलो मळी आवी। तालुकानी हेल्थ ऑफिस कम्पाउंड में दारू की खाली बॉटल मळी आवी। दारूबंदी की बातों वच्चे सरकारी कचेरी मांथी दारू की खाली बॉटलो मळता अनेक सवाल उठ्या। छोटाउदेपुर तालुका पंचायत कचेरी में पूर्व सरपंचे होबाड़ो कर्यो। उमेश राठवाए गुस्सा में आवी टीडीओ ना केबिन ना दरवाजा नो कांच तोड्यो। कचेरी में विस्तरण अधिकारी साथे पण बोलाचाली नो वीडियो सामे आव्यो। विस्तरण अधिकारी चेक लखवा लांच मांगतो होवानो कर्यो आक्षेप। गांधीनगर में टेट पास उम्मीदवारों फरी मैदाने उतरिया। विस्टा गार्डन में कायमी भर्ती ने लेने उम्मीदवारों एकठा थया। 32,000 शिक्षकों की भर्ती माटे उम्मीदवारों की भर्ती माटे हक अने अधिकार की लड़ाई लड़वा एकठा थया। गांधीनगर में देखाव करता टेट पास उम्मीदवारों की टींगाटोड़ी करी अटकात कराई। ज्ञान सहायक भर्ती विरोध करता हता उम्मीदवारों। पोस्टर साथ विरोध प्रदर्शन देखावकारों की पुलिसे करी अटकात। अमदावाद में फाइनल मैच जो आवेला युवक साथी तोड़ थयानो आरोप। पुलिस कर्मीओए 2 लाख की मांग करी होवानो आरोप लाग्यो। कार में दारू की बॉटल होवाथी मांग्या हता रूपया 20,000 यूपीआई करावी तोड़ कर्यानो आक्षेप। पुलिसकर्मी पर लागेला आरोप मुद्दे ट्राफिक डीसीपी सफीन हसने शुरू करी कार्यवाही। पुलिसकर्मीए रूपया परत फरियानो पण आव्यो सामे। जारे ट्राफिक एसीपीए पुलिसकर्मीओना निवेदन लीधा।
क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में सुरक्षा में चूकनो मामलो स्टेडियम में घुसेला वैन जॉन्सन्स ने मळ्या जामीन। गांधीनगर कोर्टे आरोपी ने जामीन मुक्त कर्या जारे आरोपी ना रिमांड पूर्ण थता कोर्ट में करायो हतो रजू। 10,000 ना जामीन पर कोर्टे आरोपी ने मुक्त कर्यो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल में सुरक्षा में थयेली चूक मामले गृह विभाग साथी अधिकारी की बैठक मळी। फरीथी आवी चूक न थाय ते माटे सीपीए सूचना आप्या। आरोपीए भारतीय टीम नु फाइनल मैच में ध्यान भटकावा प्रयास कर्या होवानो आरोप। आणंद में फाइनांस एजेंसी नामे केटलाक युवकोए मारामारी करी। हप्ता बाकी रहता वाहन चालक ने रस्ता पर रोकी मार मार्या की घटना वीडियो में कैद थई। न्यू सिटी ने गुजराती वायरल वीडियो की नक्की करतु पुष्टि। बनासकांठा पालनपुर आबू रोड पर 007 गैंग आतंको वीडियो सामे आव्यो। 10 दिवस पहला आ गैंग सभ्यो अमीरगढ़ अने पालनपुर विस्तार में 4 लोगों की इजाओ पहुंचाड़ी थी। वीडियो वायरल थता अमीरगढ़ पुलिस तपास हाथ धरी। महसाणा युवकनु हार्ट एटेक थी मौत निपजू। कॉलेज में नेट बॉलिंग की प्रेक्टिस करता समय आव्यो हतो हार्ट एटेक अने मौत निपजू। 20 वर्षीय युवक ने हॉस्पिटल खसेड़ाता समय रस्ता में युवक नु मौत निपजू। पोरबंदर में फरी नवीरा बेफाम थया। नवीराए सर्जेला अकस्मात में टीआरवी तरीके फरज बजावता शिवानी लाखाणी नामनी युवती नु मौत निपजू। अन्य 5 लोग इजाग्रस्त थया। पोरबंदर शहर ना कलीना पुल पर कार चालके 3 बाइक चालकों ने लीधा अड़फेटे। कार की टक्कर थी 2 लोग पुल पर थी नीचे पानी में खाबक्या। फायर विभाग की टीमें तेमनु रेस्क्यू कर्यु। अकस्मात सर्जनार कार चालक नशा में होवानु अनुमान। खेड़ाना पींच नजीक गंभीर अकस्मात में 3 ना मौत। बाइक सवार काका भत्रीजा अन्य एक युवक नु मौत निपजू। रोड पर एक गटर में बाइक खाबकता बनी दुर्घटना। वळांक लेता काबू गुमावता अकस्मात थयो होवानु पुलिस ने अनुमान। वड़ताल थी रवली जता बाइक सवारों ने नड़ियो अकस्मात। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में प्रशासन संचालित स्विमिंग पूल में डूबी जवाथी किशोर नु मौत निपजू। स्विमिंग पूल ना संचालक सामे वेदरकारी ने आक्षेपो लाग्या। किशोर अचानक पूल में वच्चे पहुंचो त्यारबाद पानी में डूबी जता मौत निपजू। गोंडल ना देरड़ी कुंभाची पंथक में सिंहे गायों कर्यु मारण। धराड़ा गामना खेतर में सिंह परिवार बे रखड़ती गायों मारण कर्यु। गोंडल पंथक में सिंह आटाफेरा ने लेने लोगों में फफड़ाट। ऊंझा ब्राह्मणवाड़ा में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में फटाकड़ा फोड़ता केसना फुग्गा में आग लागवानी घटना बनी थी। आ घटना में 5 दीकरीओ हाल सारवार हेठळ। समग्र घटना में 28 जेटली दीकरीओ इजाग्रस्त थई हती। गीर सोमनाथ में वाडला में सांजना समय गुम थयेली महिला नो मृतदेह मळ्यो। स्थानिकोए महिला की शोधखोळ करता महिला नो मृतदेह मळी आव्यो। जंगली प्राणी हुमला में महिला नु मौत थयुं होवानी चर्चा। अमदावादना हटकेश्वर नजीक लालभाई सेंटर पासे कार में भीषण आग लागी। वेगनार कार में अचानक ज आग लागता अफरातफरी मची। कार चालके तात्कालिक कार में नीचे उतरी जता आबाद बचाव थयो। आसपासना लोकोए पानी नो मारो चलावी आग पर काबू मळ्यो। राजकोटना भक्तिनगर सर्कल नजीक पार्क करेला वाहन में एकाएक आग लागी। धर्मजीवन कॉम्प्लेक्स में पार्क करेला वाहन में आग लागता अफरातफरी नो माहौल सर्जायो। फायर विभाग की भारी जहमत बाद आग पर काबू मेळव्यो। आग लागवानुं कारण अटक्यु। पंचमहाल गोधरा हाईवे पर 2 खानगी लक्झरी बस वच्चे अकस्मात थयो। घटनामां 4 ना मौत 11 इजाग्रस्त थया। अमदावादथी इंदौर जती बस ने नड़ियो हतो अकस्मात। रोड साइड पर उभेली बस ने अन्य लक्झरी बस से टक्कर मारता अकस्मात थयो। अमदावाद ट्राफिक पुलिसकर्मीए वृद्धा जीव बचाव्यो। कालुपुर सर्कल पास वृद्ध अचानक बेबान थता ट्राफिक पुलिसकर्मी मददे आव्या। सीपीआर थेरापी आपी वृद्ध ने 108 मार्फते होस्पिटल खसेड़िया। भरूचना जाडेश्वर में महिला साथे लूटनी घटना। नेताजी फड़िया में महिला ने मार मारी लूटारूए लूट ने अंजाम आप्यो। सोनाना घरेणा सहित रोकड़े लूट करी लूटारू फरार थया। घटना की जाण थता पुलिसे फरियाद नोंधी लूटारू ने शोधवा तजवीज हाथ धरी। सूरत में किम रेलवे ब्रिज पर ऑयल ढोड़ाता वाहनों स्लीप थया। पुलिस ने घटना की जाण थता रेलवे ब्रिज पर पुलिसकर्मीओ ऑयल पर माटी नाखी और स्पीड में वाहन आता धीमे वाहन चलावानी सूचना पण आपी हती। मोरबीना हळवद में सामान्य बाबते युवक की हत्या। मृतक पार्टी में गयो होय त्या उग्र बोलाचाली बाद आरोपी तीक्ष्ण हत्या घा छीकी हत्या निपजावे केनाल में फेंक्यो। समग्र मामले पुलिस फरियाद नोंधी तपास हाथ धरी। मेहसणा अरबंद को ऑपरेटिव बैंक ने आरबीआई दंड फटकार्यो। आरबीआई निर्देशों नु पालन न कराता 15 लाख नो दंड फटकार्यो। आरबीआई 31 मार्च 2021 से ऑडिट कर बैंक ने नोटिस फटकारी थी।
સુરતના ગણદેવીમાં દહેજને સંતાન ન થતા સાસરિયાએ પરિણીતાની હત્યા કર્યાનો આક્ષેપ. દહેજને સંતાન ન થવાના કારણે અગાઉ પણ મહિલાને ઝેર અપાયું હોવાનો મૃતકના પિતાએ દાવો કર્યો. સાથે જ પોલીસે ફરિયાદ ન લીધાનો પણ આક્ષેપ કરાયો. મોરબી ઝૂલતા પુલ કેસ મામલે સુનાવણી રદ થઈ. સેશન્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં જયસુખ પટેલ સામે હત્યાની કલમ 302નો ઉમેરો કરવા મામલે થઈ હતી સુનાવણી. પીડિત પરિવારના વકીલ હાજર ન રહેતા 5 ડિસેમ્બરે સુનાવણી હાથ ધરાશે. અરવલ્લીના બાયડમાં એલસીબીના દરોડા બાદ પોલીસકર્મીની બદલી કરાઈ. બાયડ ટાઉન બીટના હેડ કોન્સ્ટેબલ રવિ જયસ્વાલની મોડાસા ગ્રામ્યમાં બદલી કરવામાં આવી. એલસીબીએ દરોડા પાડી દારૂને ચૂકવાનો કેસ કરતા પોલીસ વડાએ કાર્યવાહી કરી. સુરતના ડાયમંડ બુર્સમાં વેપારની શરૂઆત કરવામાં આવી. વિશ્વની સૌથી મોટી ઓફિસ બિલ્ડિંગ સુરત ડાયમંડ બુર્સમાં એક સાથે 135 ઓફિસોમાં વિધિવત રીતે વેપારના શ્રી ગણેશ સાથી ધંધાની શરૂઆત થઈ. સુરત ડ્રીમ સિટી ખાતે સાકાર થયો પીએમ મોદીનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ. 135 વેપારીઓ પૈકી 26 ડાયમંડ વેપારીઓ મુંબઈથી સુરતમાં કાયમી શિફ્ટ થશે. 17મી ડિસેમ્બરથી વિધિવત રીતે ડાયમંડ બુર્સનું ઉદઘાટન કરવામાં આવશે. ડાયમંડ બુર્સમાં વેપારના શ્રી ગણેશથી સુરતના ડાયમંડ ઉદ્યોગ પર વિશ્વની નજર રહેશે. દિવાળીની રજાઓ બાદ સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ફરી ચહલપહલ જોવા મળી. દિવાળી અને છઠ પૂજાને લઈને કામદારો વતન જતા કારખાના બંધ હતા. મજૂરો પાછા ફરતા ફરીથી ટેક્સટાઇલ માર્કેટ પાટા પર ચડ્યું. સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં 50મું અંગદાન કરાયું. તાપીના સોનગઢના આદિવાસી યુવકને બ્રેઇન ડેડ જાહેર કરાતા પરિવારજનોએ તેમનું અંગદાન કર્યું. યુવકની 2 કિડની, લીવર અને 2 ફેફસાનું દાન કરાયું. સુરત અંગદાન માટે રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાન પર. જૂનાગઢ લીલી પરિક્રમાને લઈને રાજકોટ જૂનાગઢ રૂટ પર વધારાની 50 જેટલી બસો દોડશે. આજથી વિશેષ વધારાની બસો દોડાવાશે. રાજકોટ એસટી વિભાગની સેવા 22 થી 27મી સુધી કાર્યરત રહેશે. તો સમાચારોમાં હાલ બસ આટલું જ. મને રજા આપશો. નમસ્કાર.